गाइस, मैं हूँ फेयर और मैं हूँ हैंडसम और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल फेयर एंड हैंडसम। तो देखते रहिए, हम आपका एंटरटेनमेंट जारी रखेंगे। हेलो गाइस, हाउ आर यू? आई होप यू फाइन एंड वेल। गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फेयर एंड हैंडसम। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकॉन ज़रूर दबा दीजिए। तो दोस्तों, मैं आज फिर वीडियो लाया हूँ इसी टॉपिक पे कि लोगों ने मास्क नहीं पहन रखा है। ये देखिए, कितने लोग मास्क के बगैर ऐसे ही घूम रहे हैं और कोरोना की तादाद बढ़ा रहे हैं। दोस्तों, ऐसे ही लोगों की वजह से कोरोना बढ़ रहा है। तो प्लीज़ अपने आसपास के लोगों को जागरूक करिए कि वो जाके वैक्सीन लें और मास्क जरूर यूज़ करें। हैंड सैनिटाइज़र समय समय पे अपने हाथों को करते रहें और अपने हाथों को धोते रहें। तो दोस्तों, ये देखिए, सब्ज़ी बेच रहे हैं, अगर इनको कोरोना हुआ तो कितने लोगों को हो सकता है। केयरलेस पीपल, I don't like this people. इन लोगों की वजह से ही कोरोना बढ़ रहा है। देखिए, मोहतरमा ने मास्क नहीं लगाया है। तो गाइज, खुद जागरूक बनिए, दूसरों को भी जागरूक करिए कि मास्क जरूर लगाएंगे। देखिए बाजी वाले, ये देखिए भाई साहब फोन पे लगे हुए हैं, उनको कुछ पड़ी नहीं है। ये देखिए भाजी वाला मास्क भी नहीं लगाया है, कुछ नहीं। कोरोना खत्म, इन लोगों की वजह से ही लॉकडाउन लगता है और पब्लिक परेशान होती है। फिर गाली देंगे गवर्नमेंट को, सरकार को, कि सरकार लॉकडाउन लगाती है, पेट्रोल के दाम बढ़ाती है, महंगाई बढ़ती जा रही है। तो महंगाई ऐसे ही थोड़ी ना बढ़ती जा रही है भाई। मास्क यूज़ करो, मास्क का वापर करो। ये देखिए भाजी धनिया बेच रहे हैं लेकिन मास्क नहीं लगाया। टमाटर वाला मास्क लगाया है लेकिन नीचे। ये देखिए, इन लोगों ने एक पैशन बना लिया है कि चिन पे ही मास्क लगाएंगे, मुंह पे मुंह को नहीं ढकेंगे, ना ही नोज को ढकेंगे। ये देखिए बेबी बैठी है और मास्क नहीं लगाया। तो दोस्तों, ये तो कुछ भी नहीं है, लोग मंचूरियन खा रहे थे वहाँ पे और भीड़ लगा के खा रहे थे, तो ऐसा लग रहा है कि कोरोना ख़त्म हो गया। तो प्लीज़ गाइस, अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हो तो केयर करो अपनी, अपने आप को आप बचाओ तभी आप दूसरों को बचाओगे। ये देखिए गोलगप्पे की दुकान पे भीड़ लगी हुई है, ओह माय गॉड। इन लोगों को मालूम नहीं है कि मैं शूट कर रहा हूँ, क्योंकि कैमरे को हमने थोड़ा सा छुपा के रखा हुआ है। ये देखिए बल्ब लगा रहे हैं, भाजी की इनकी दुकान है लेकिन मास्क पता नहीं कहाँ है। तो दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अपने फ्रेंड सर्कल में। और ये देखिए कितना बेशर्म बंदा है, देखो हंस रहा है और बोल भी रहा है, तुम्हारे जैसे लोग इस देश के लिए श्राप है। ये देखिए अंकल लोग मंचूरियन की दुकान पे भीड़ लगी हुई है, वाह। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? ये देखिए किसी के भी चेहरे पे मास्क नहीं है। ये तो एक छोटे से टाउन का नज़ारा है दोस्तों,
सिटी में क्या होता होगा। ये एक तालुके का, एक छोटे से टाउन का ये हाल है, तो सिटी में क्या होगा। ऐसे ही पेशेंट मिलते जाएंगे और लॉकडाउन बढ़ते जाएगा। और फिर गालियां देना मोदी को, उद्धव साहब को, अपने अपने राज्य के सरकारों को, दिस इज नॉट फेयर, वेरी केयरलेस पीपल। ये देखिए, दूध की डायरी है लेकिन मास्क नहीं है। अंकल मास्क पहनो, जिसको भी कैमरा नजर आ जाता है तो वो मुंह छुपा लेता है, लेकिन मास्क नहीं पहनेंगे। तो प्लीज गाइस, आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे ताकि लोग जागरूक हों। मेरा वीडियो बनाने का मकसद यही है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जागरूक कर सकूं कि मास्क पहने और समय समय पर हैंड सैनिटाइज करते रहें। और दोस्तों, मैं तो बोलता हूँ, जिसने मास्क नहीं पहना, आप उसके पास से कुछ भी खरीदिए मत। उसको बोलो पहले मास्क पहनो, हैंड सैनिटाइज करो, फिर सामान खरीदो। तो हम जब तक उनको इस तरह नहीं बोलेंगे तब तक वो मास्क नहीं पहनेंगे। आप जब तक टोकेंगे नहीं, ये सुधरने वाले नहीं है। तो प्लीज़ आप अपना ध्यान रखिए, आप सुरक्षित रहिए, दूसरों को भी सुरक्षित होने का ट्रिक दीजिए, बताइए उनको। और देखते रहिए मेरा यूट्यूब चैनल फेयर एंड हैंडसम, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। ख़त्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय। भगवान, प्लीज गाइज, लाइक माई यूट्यूब चैनल।